नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हिंदुस्तान न्यूज 24 में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ सुर्खियों। रेलवे स्टेशन के रेलवे यार्ड के पीछे वाली 80 फीट ऊंची बड़ी टंकी में मिला युवक का शव। हजारों लोग उसी टंकी के पानी का कर रहे थे कई दिनों से सेवन। सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल हो रहे खड़े। भागलपुर रेलवे स्टेशन के रेलवे यार्ड के पीछे पानी की बड़ी टंकी में एक युवक का शव मिला है। कई दिनों से पानी में महक के बाद रेलवे सफाई कर्मी पानी टंकी को साफ करने के लिए जब गए, तब वहां टंकी के अंदर युवक का शव करते हुए देखा। शव देखने से प्रतीत हो रहा है कि 5-6 दिन पुराना शव है। अब 80 फीट ऊंची पानी टंकी से शव निकालना पुलिस के सामने चुनौती। हालांकि पुलिस शव को निकालने की कोशिश कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने भी इसकी जांच शुरू कर दी है। वही आरपीएफ और जीआरपी के प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर शव निकालने को लेकर कई मंथन कर रहे हैं। 80 फीट ऊंचे पानी टंकी से बॉडी को कैसे निकाला जाए, इसकी जुगा की जा रही है। वही बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर युवक पानी की टंकी पर कैसे पहुंच गया। पानी की टंकी में शव मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति पानी की टंकी में कुछ जहरीला पदार्थ डाल देता तो बड़ा हादसा हो सकता था। वही सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। बिहार भागलपुर से शंकर कुमार यादव की खास रिपोर्ट। पानी पूरा मतलब रेलवे में जाता है, सप्लाई होता है, तो जब देखा गया तो ऑटोमेटिक उसके अंदर में कुछ बॉडी साइन पड़े हुए हैं, तो सूचना देने सारा रेलवे वाले सब आए देखे जांच के, लेकिन पूरा कंफर्म नहीं हुआ कैसे उसके अंदर बॉडी गया और कैसे ये हुआ है, ये अभी कोई सूचना नहीं हुआ। हाँ, अभी पूरा जारी है निकालने, टीम आ रही है, पूरा सब रेलवे के सब जितना है पदाधिकारी सब आ रहे हैं कि कैसे ये बॉडी गया, कैसे ये खुला है ऊपर, जो ये कैसे आदमी चढ़ गया और कैसे स्पॉट कर गया उसके अंदर। पानी कहाँ कहाँ जाता है? पानी पूरा मतलब रेलवे में सप्लाई होता है। बंद कर दिया गया? जी बंद कर दिया गया सर। क्या नाम हुआ आपका? हमारा संतोष कुमार नाम हुआ सर। क्या है आप? हम यहाँ सर आपका लॉन्ड्री में हैं।